सावन के महीने और खासकर सावन के सोमवार को जिस कुंडेश्वर धाम में लोगों का सैलाब रहता था, इस बार कोरोना संक्रमण के चलते कुंडेश्वर धाम में सन्नाटा फैला हुआ है। बुंदेलखंड का सुप्रसिद्ध शिव तीर्थ कुंडेश्वर सावन शुरू होने के बाद भी बंद जैसा ही है। टीकमगढ़ में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसको देखते हुए प्रशासन ने 2 से 8 जुलाई तक टीकमगढ़ में पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया है, जिसके तहत किसी भी तरीके से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी धार्मिक स्थानों पर तालाबंदी कर दी गई है। उसी के परिणाम स्वरूप बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल कुंडेश्वर धाम सावन में अब तक पूर्णतः बंद रहा है। इस दौरान मंदिर के पुजारी और 2-3 अन्य लोगों द्वारा ही शिवलिंग की पूजा आराधना की जा रही है। श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि सावन सोमवार में लगभग 50,000 श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते सभी प्रकार के आयोजन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। कुंडेश्वर प्रांगण में मौजूदा पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन के आदेश हैं, इसलिए श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। क्या है कि ये कोरोना महामारी के चलते हुए और लोगों की सुरक्षा एवं जीवन की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से सावन के सोमवार में अत्यधिक भीड़ पड़ती है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होने में और उसके में समस्या थी, और ये अपने जिले में इतनी अधिक बीमारी फैल रही है, जिससे कि लोगों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा और सावन के सोमवार के और इसमें लॉकडाउन का घोषित किया गया है। इसमें किसी प्रकार पूरा मंदिर पूर्णतः बंद है और इसलिए यहाँ पे भीड़ भाड़ जो है तो नहीं इकट्ठी हो रही है। लोगों के स्वास्थ्य एवं कोरोना की महामारी को देखते हुए ये लॉकडाउन जारी किया गया, जिससे मंदिर बंद है। देखिए, प्रशासन की ओर से लॉकडाउन है, प्रशासन के निर्देश अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं जी। आज जो है मंदिर बंद है जी, लेकिन गर्भगृह में किसी को जाने की अनुमति नहीं है, बाहर से ही बंद रखा हुआ है जी। जी, आज प्रथम सोमवार है तो जो है ब्रह्म मुहूर्त में अब तक हुए हैं, हम ही लोगों ने पुजारी पंडित लोगों ने किए हैं, यहाँ पर मंदिर में है लिखे उन्हीं ने किए हैं। आम आदमी को प्रवेश निषेध है जी। जी, बाहर का कोई फूल बेल पत्र प्रसाद दूध दही वगैरह कुछ नहीं चढ़ता है, मंदिर के ही जो व्यवस्था है मंदिर के ही से करते हैं। जिसको भी करवाना है 500 रुपए की रसीद कटती है जी, आले में रसीद कटवाए नाम गोत्र से हम लोग वो अब से कर देते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।